हेलो फ्रेंड, वंस अगेन टेक्निकल नेम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि आप आजकल बहुत से व्हाट्सएप बैन और नंबर हैक हो रहे हैं, उसकी वजह क्या है फ्रेंड? कि आपके व्हाट्सएप नंबर बैन क्यों हो रहे हैं और परमानेंटली और टम्परेरी क्यों बैन हो रहे हैं, और वो कब तक ओपन होंगे आपके नंबर, तो वो आप मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा। बट उससे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जो जो आपके दिल में सवाल आता है, शिकायत है, वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो साथ नोटिफिकेशन आइकन है, उसके ऊपर प्रेस करें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए, साथ ताकि आप किसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड, आज की जैसे वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप व्हाट्सएप बैन होने और हैक होने में 2020 में भी आपको इसी मुश्किल का सामना हर बंदे को करना पड़ सकता है, क्योंकि व्हाट्सएप में हर माह 2 मिलियन व्हाट्सएप नंबर हैक हो रहे हैं। वो पाकिस्तानी भी हैं और दूसरे भी एशियन ममालिक, ज़्यादातर एशियन ममालिक हैं। तो 2020 में आप उससे कैसे बच सकते हैं, अपने नंबर को हैक और डेटा हैक होने से किस तरह बचा सकते हो, ये भी मैं आज इसको वीडियो में आपको बताऊंगा। और इससे पिछली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि व्हाट्सएप हैंग होने से किस तरह आप बचा सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड, कौन सी वो चंद बातें हैं जिसकी वजह से आपका डेटा हैक होता है, तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, नंबर एक पे वो बात है जो आपका डेटा हैक होता है और 2020 में आपका नंबर बैंड भी हो सकता है, और टेम्परेरी या परमानेंटली बैंड हो सकता है। तो उस वो कैसे होगा? तो फ्रेंड, अगर आपका नंबर कोई 5 बंदे आपका नंबर ब्लॉक कर देते हैं, ग्रुप में आप एसएमएस करते हो, अननोन नंबर पे एसएमएस करते हो, तो जो बंदे 5 बंदों ने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया, मुसलसल ब्लॉक कर दिया 5 बंदों ने, तो उसकी वजह से आपका भी नंबर हैक हो जाएगा और टेम्परेरी या परमानेंटली बैंड हो जाएगा। तो नंबर एक के ऊपर ये आप ऐसे अपना नंबर बैंड करवाते। तो नंबर दो पे फ्रेंड, जिसकी वजह से आपका नंबर बैंड और हैक होता है डेटा, तो वो है जी आप गलत नंबर पर एसएमएस करते हो। मतलब 2018 से पहले पहले अगर आपने कोई भी व्हाट्सएप पे नंबर एसएमएस करते थे, तो उसकी वजह थी कि वो रूल और थे, लेकिन इस रूल में जो आप अननोन मतलब सेव नंबर होंगे तो उस पर एसएमएस कर सकते हो। अगर किसी और नंबर पे 5 SMS करोगे, 5 नंबरों पे एसएमएस करोगे, तो तभी आपका नंबर बैंड हो जाएगा टेम्परेली और बंद हो जाएगा, तो इसकी वजह से भी आपका नंबर बैंड होता है। तो उससे अगली है कि आप लिंक को शेयर कर दो, जिसकी वजह से आपका डेटा और आपका व्हाट्सएप का डेटा होता है या कोई और लिंक होता है, तो वो उन्होंने रूल चेंज कर दिया सबका सब। अगर आप अब हद से ज़्यादा लिंक को शेयर करोगे, तब भी आपका नंबर बैंड हो जाएगा और परमानेंटली या टेम्परेरी भी बैंड हो सकता है। तो फ्रेंड, इस तरह आपका व्हाट्सएप बैंड हो सकता है अगर आप दूसरी चीज़ों में भी उसमें शेयर करते हो। तो फ्रेंड, ये थी चंद बातें जो कि 2020 में आपका डेटा किस तरह आप बचा सकते हो। इन चंद चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, जिसकी वजह से आपका डेटा बच सके और आपका नंबर बैंड ना हो सके। तो फ्रेंड, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी वीडियो के साथ, इससे रिलेटेड वीडियो के साथ। तो वीडियो में आपको कैसी लगी, किस तरह आपको और वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।